नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई के वर्क परमिट वीज़ा के बारे में। जी हाँ, हालांकि ये खुशखबरी है लेकिन इसको इतना तवज्जो नहीं दिया गया। हालांकि देखिए, वर्क परमिट वीज़ा स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट हुए भी भाई बता दूं लगभग 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन कहीं कोई न्यूज़ नहीं, ऐसा मतलब एक तरीके से नॉर्मली तरीके से कोई मतलब कोई हाईलाइट इसको किया नहीं गया कि वर्क परमिट वीज़ा क्या स्टार्ट हो गए क्या दुबई के। जी हाँ, दुबई के वर्क परमिट वीज़ा की बात करें तो साथियों स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इस पर डिटेल से बात करेंगे भाई, वीडियो पूरा देखिए, सबूत के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, वीज़ा भी दिखाऊंगा कि वर्क परमिट वीज़ा मिल चुका है और नकली नहीं है, ओरिजिनल वीज़ा है, बंदे की फ्लाइट है। जी हाँ, डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर सकते हैं ताकि हर रोज़ आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। जी हाँ, तो साथियों आपको पता भाई, दुबई के वीज़ा लगभग 2020 अप्रैल मार्च में बंद हो गए थे, अभी बंद ही चल रहे थे, लगभग पौने दो साल हो गए, दो साल के करीब अभी मार्च में होंगे, वैसे तो डेढ़ साल का टाइम निकल गया वीज़ा बंद होने में। और बीच में विजिट वीज़ा भी बंद हो गए थे, वो स्टार्ट हो रहे थे, लोग विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या आपको पता भाई, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में हालांकि लोग जा रहे थे लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो यहाँ से दो साल का वीज़ा लेके बंदा जाता है, क्योंकि उसमें झंझट नहीं होता है कि वहाँ जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, कंपनी वापस निकाल देगी, वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। जी हाँ, आगे हम PCR रिपीड टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे कि क्या गवर्नमेंट सोचती है उससे रिलेटेड भी। जी हाँ साथियों, लगभग 10 से 15 दिन का वर्क परमिट वीज़ा हुए स्टार्ट हुए हो गए थे। जी हाँ, हालांकि मेरे पास भी ऐसा सुनने में आ रहा था लेकिन एविडेंस नहीं था, तो एविडेंस के बिना तो भाई आपको पता है मैं तो कोशिश नहीं करता कि किसी को आपको बताएं। अभी एक बंदा है बिहार का, उसने मुझे क्या हुआ वीज़ा भेजा, आपको वीज़ा भी मैं दिखा दूंगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोला सर ये वर्क परमिट वीज़ा है मेरा, किसी ऑफिस वाले ने दिया, गुजरात की ऑफिस थी। तो मैं बोला यार वर्क परमिट वीज़ा तो कहाँ से दे दिया, वीज़ा तो बंद थे। बोला नहीं सर मुझे वीज़ा दिया है। तो मैं बोला भाई, फिर उससे थोड़ी डिटेल ली क्योंकि भाई जो फीस देता है तो उससे बात हो ही जाती है फिर। तो वीज़ा बोला सर चेक करिए, वीज़ा को देखा, वीज़ा तो ठीक था, ऑनलाइन चेक हो रहा था। तो भाई फिर उससे पूछा, फिर उसने बोला कि सर मेन ऑफिस बॉम्बे का है, बॉम्बे का साउरलाइन ऑफिस, सब आप अगर आप विदेश रहते हैं तो आप जानते होंगे बॉम्बे का सबसे बड़ा ऑफिस है साउरलाइन ऑफिस। जी हाँ, उसका था। तो मुझे पता था भाई ये ऑफिस कैसा है, ये तो चीटिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, घी वाला साउरलाइन ये ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी रजिस्टर्ड ऑफिस हैं और जो मैन पावर ऑफिस है ना वो चीटिंग नहीं करती हैं भाई, ये हमेशा ध्यान रखिए। फिर अभी आज बंदे से मेरी फिर बात हुई, बोला सर मैं बॉम्बे पहुँच चुका हूँ, मेरी फ़्लाइट कल की थी, कल की उन्होंने नहीं करवाई कुछ रीज़न होने की वजह से, आज ये फ़्लाइट मेरी आज नहीं है, कल की हमारी फ़्लाइट होगी और मैं जा रहा हूँ दुबई। जी हाँ, उनका RT-PCR टेस्ट हो चुका है और मैं अभी कल निकल जाऊंगा, टिकट मेरी कल ये ऑफिस वाले दे देंगे, पूरी उनसे बातचीत हो गई। फिर मैंने दुबई में बात की भाई कि ये स्थिति क्या है, तो दुबई में पता लगाया तो बोला हाँ बिल्कुल वीज़ा चालू हो चुके हैं। पाकिस्तान का भी मैं पूछा भाई पाकिस्तान के, बोला उनका तो अभी कन्फर्म नहीं कह सकते क्योंकि किसी का वीज़ा निकला हुआ देखा नहीं है, इसलिए उनका नहीं बोल सकते, लेकिन इंडिया का वर्क परमिट वीज़ा चालू हो गया है। जी हाँ, आप भी अगर भाई चाहते हैं कि वर्क परमिट वीज़ा में किसी देश दुबई में जाना चाहते हैं तो हमेशा नोट रखें, मैन पावर ऑफिस गवर्नमेंट अथोराइज ऑफिस से जाएं भाई, वरना आपको है ना सस्ते के चक्कर में ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ख़राब हो जाओगे। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट ये करूँगा, मैन पावर ऑफिस इंडिया में मात्र 1600 है, 1500-1600 ऑफिस हैं पूरी इंडिया में, उसी के द्वारा आप अप्लाई करें ताकि आपके साथ चीटिंग नहीं हो, आप सुरक्षित रहो, आप इंडियन एम्बेसी के रिकॉर्ड में आप रहोगे, एक नंबर में, दो नंबर में नहीं रहो, विजिट टू वर्क में दो नंबर में आता है, आपको सबको पता ही होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं, वीज़ा भी स्टार्ट हो चुका है। RT-PCR की बात कर लें भाई, राजस्थान में अगर बात करें तो दुबई के लिए फ़्लाइटें अभी स्टार्ट हुई हैं 10 दिन पहले, आप सबको पता है RT-PCR टेस्ट की स्थिति है कि विदेशी लोग RT-PCR को मानते नहीं है। पहले RT-PCR था ना कोरोना की रिपोर्ट साथ में लेके जाना, वही ICMR रजिस्टर्ड, उसकी तो वैल्यू ख़त्म हो गई। जी हाँ, अब तो वो मानते हैं एयरपोर्ट के ऊपर रैपिड टेस्ट वाला होना चाहिए उसका। राजस्थान में अगर बात करें तो भाई 2980 रुपये लगते हैं, अगर राजस्थानी लोग जयपुर से जा रहे हैं तो लगभग 3000 रुपये आपके लगेंगे, और बाकी जैसे आप दिल्ली से जा रहे हैं 4000 रुपये लगेंगे, बॉम्बे से जा रहे हैं वहाँ पर भी 4000 रुपये लगेंगे रैपिड टेस्ट के, जो जाने से 6 घंटे के अंदर आपको पहुंचना होता है, आप सबको पता ही है। जी हाँ, हालांकि न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता RT-PCR का, या फिर उनकी जेब में वो पैसा एक्स्ट्रा लगता है, तो हालांकि ये कुछ अपवाद निकल के आए कि भाई इंडियन सरकार को इन देशों के साथ में बात करनी चाहिए दुबई के बारे में खास तौर से, कि भाई ये रैपिड टेस्ट वाला सिस्टम बंद कीजिए, 6000 5000 4000 3000 लोगों के फ्री फोकट में ये पैसा लग रहा है। और अगर इंडियन सरकार दबाव बनाती है दुबई में या फिर कुवैत, रैपिड टेस्ट तो सब मांगते हैं, सभी देश मांगते हैं,
तो इन चीज़ों का थोड़ा सा समाधान हो सकता है, ये झंझट खत्म हो जाए। आपको पता है आरटीपीसीआर टेस्ट अगर आप लेते हैं कहीं से भी, वैसे 900 हज़ार, पहले 1500-1600 रुपये लगता था, शुरू में 2000 के करीब आया, फिर 1600 रुपये आया, फिर 900 रुपये लाया, अभी गवर्नमेंट की निर्धारित रेट है 350 रुपये। अगर आप आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते हैं कहीं पर भी तो गवर्नमेंट जो फीस है वो 350 रुपये है। हालांकि जो मैंने मेरी जिस बंदे से बात हुई जो बॉम्बे से आज दुबई कल जाएगा, उसने भी बोला कि मेरे से 900 रुपये लिए गए, जबकि उसको पता था कि 950 रुपये कमीशन बेस चलता है भाई, पूरा सिस्टम कमीशन बेस का होता है। तो इन चीज़ों में आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, और अगर सरकार कोशिश करेगी तो ये रैपिड टेस्ट वाला सिस्टम भी हट सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है भाई ये हटेगा, क्योंकि यही एक उनके पास प्रूफ होता है कि बंदे को कोरोना नहीं है, उसकी रिपोर्ट 15 से 20 मिनट में मिल जाती है एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ की सरकारों को, वहाँ को एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी कन्फर्म होता है भाई इसको कोरोना नहीं है, समझ गए। तो वो मुझे नहीं लगता इस पे इतना जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन जनवरी 2022 तक उम्मीद है कि रैपिड टेस्ट वाला सिस्टम हट जाएगा, क्योंकि इतने में कोरोना लगभग ख़त्म हो ही जाना है भाई। जी हाँ, तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी भाई। हमेशा मैन पावर ऑफिस से जाने की सोचें, वरना तो भाई दिक्कत आपको आ सकती है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के।